इंडिया कांट डिक्टेट कि पाकिस्तान क्रिकेट कैसे खेले, और पाकिस्तान में क्रिकेट वैसे ही 10-15 साल हुई नहीं, अब टीमों ने आना शुरू किया है. आई एम ऑल फॉर देयर पॉलिटिकल डिफरेंसेस व्हाटएवर, बिकॉज आई एम अ क्रिकेटर, एक्स क्रिकेटर, स्पोर्ट्स पर्सन. आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इन पॉलिटिकल फ्रंट, बट लाइक आई सेड अदर डे, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट जरूरी. अगर आपने ये कहना था एज अ प्रेजिडेंट जयशाह साहब, तो आप कम अज़ कम हमारे चेयरमैन को फ़ोन करते, एक मीटिंग बिठाते एशियन काउंसिल की, उसमें आप अपना. वसीम अकरम का कहना है कि जय शाह को ये सोचना था, जैसे उन्हें मीटिंग करते और हमारे PCB चेयरमैन नजम सेठी को बुलाते, बाद में बात करते, क्योंकि पाकिस्तान तो हर मैदान में खेलना चाहता है. पाकिस्तान चेयरमैन रमीज क्या कहता, बाकी बांग्लादेश बोर्ड का, श्रीलंका बोर्ड का, एंड देन यू मेक डिसीजन. यू कांट जस्ट स्टैंड अप एंड से कि वी आर नॉट ट्रैवलिंग, जबकि अवार्ड किया है आप लोगों ने, पूरी काउंसिल ने अवार्ड किया ना पाकिस्तान को एशिया का. सो दैट्स जस्ट नॉट फेयर. बिल्कुल ऐसी है. बकार, योर थॉट्स ऑन दिस? बिल्कुल ये हकीकत है. नजम सेठ ने कहा कि हम हर जगह पे खेलना चाहते हैं, न्यूट्रल वैल्यू भी दिया है और हाइपर मॉडल भी दिया है, लेकिन जय शाह एक ही बात पे अटे हुए हैं कि हमने पाकिस्तान का जो है दौरा नहीं करना, पाकिस्तान नहीं आना. हमें सिक्योरिटी के खदशात हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और बहुत सी टीमें, बाकी श्रीलंका, ये सारी आ चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो पहले वाला प्रॉब्लम नहीं है. और पाकिस्तान में जिस तरह PSL हो रहा है और तमाम तमाशाई, लेकिन इंडियन मीडिया भी इस चीज़ को समझता है, स्पेशली जो विक्रांत गुप्ता अभी इस बात को समझते हैं. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. और पाकिस्तान में अभी जो है क्रिकेट की बहाली हो चुकी है. नजम सेठ खुश.